अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में इस वक्त जो दुश्मनी चल रही है भाई, कभी वो दुश्मनी अक्षरा और काजल राघवानी में थी, लेकिन उनके दुश्मनी में कुछ गुंजाइश थी, लेकिन भाई अक्षरा और रानी चटर्जी के दुश्मनी में तो कुछ गुंजाइश ही नहीं नजर आया। अब आपको तो पता ही होगा कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। आश्चर्य तब होता है जब खतरों के खिलाड़ी में रानी चटर्जी जाती हैं और बेस्ट ऑफ लक भाई अक्षरा सिंह उन्हें करती हैं। भाई अपने स्टेटस यानी कि इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उनका, उनके स्टेटस पे उन्हें बेस्ट ऑफ लक लिखकर सेंड भी करती हैं और लोगों से अपील करती हैं कि भाई इन्हें वोट कीजिए, यानी कि रानी चटर्जी को वोट कीजिए। लेकिन फिर ऐसा क्या इनके रिश्ते में इतनी बड़ी खटास आ गई कि अचानक से इनका ये रिश्ता तार तार हो गया। जी हाँ, कहा जाता है कि कभी एक ज़माने में रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह बड़ी ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर ऐसी खटास कहाँ से आई? आपको तो याद होगा कि पवन सिंह और रानी चटर्जी निरहुआ के बर्थडे में मिलते हैं। याद है वो पार्टी? आप अगर नहीं याद है, अगर आपको नहीं याद है तो हम याद दिलाते हैं। निरहुआ का बर्थडे पार्टी थी और उस बर्थडे पार्टी में अक्षरा सिंह भी मौजूद थी। वो बर्थडे पार्टी इस साल की नहीं थी, वो पिछले साल की थी। वो बर्थडे पार्टी निरहुआ के बर्थडे से कम पवन और रानी चटर्जी के रीयूनियन से ज़्यादा जानी गई। जी हाँ, इसमें पवन और रानी एक दूसरे के साथ चिपक चिपक कर फोटो खिंचाए और लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया कि कभी रानी और पवन एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। फिर भाई अचानक से ये क्या हो गया कि ये दोनों भरत मिलाप पर आ गए, यानी कि इन दोनों में दोस्ती हो गई। और बताया जाता है कि पवन सिंह ने मौके का फ़ायदा उठाया, रानी चटर्जी को अपने खेमे में किया और उस वक्त यानी उसके थोड़े ही दिनों बाद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पे कई आरोप लगाए और आरोपों का जवाब पवन सिंह ने तो नहीं दिया, लेकिन पवन सिंह के कुछ हिमायती लोगों ने ज़रूर दिया और उन हिमायतियों में से एक रानी चटर्जी भी थी। जी हाँ, कुछ दिनों बाद रानी चटर्जी ने अक्षरा सिंह को लेकर बातें कह दी, वो भी किसी यूट्यूब चैनल पर, और वो बातें भाई अक्षरा सिंह को नागवार गुजर गई। अब भाई ऐसे हालात में जहाँ अक्षरा सपोर्ट की उम्मीद करती अपने दोस्तों से, वहाँ पर दोस्त उन्हें सपोर्ट ना करके कुछ ऐसी तीखी तीखी बातें करें जो कि किसी भी एक्ट्रेस के या किसी भी इंसान को उस वक्त जब वो बहुत ही टफ पीरियड से गुजर रहा है तो उसको हर्ट तो करेंगी ही। बदले में अक्षरा ने भी उन्हें जवाब दिया। अब ये सिलसिला फैंस के बीच बढ़ गया, यानी कि यहाँ से कुछ अक्षरा के फैंस बोलते और वहाँ से जवाब में रानी के फैंस देते। अब भाई ये फैंस वाला जो मैटर था कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। लेकिन अब पिछले ही दिनों भाई अक्षरा की एक फैंस ने रानी चटर्जी पे कुछ तीखी टिप्पणी की और इसके बदले में रानी चटर्जी ने जो धोया उनके फैंस को कि लगा कि भाई रानी अपने तेवर में आ गई। वैसे भी रानी ऑलवेज अपने तेवर में ही रहती हैं। और अब लगातार पवन सिंह और रानी चटर्जी की नज़दीकियां हैं, जिसकी वजह से पुरानी चटर्जी के फैंस अक्षरा सिंह पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अक्षरा इनकी नज़दीकियों की वजह से जल रही हैं। अब भाई ये कितना सच है ये हम नहीं जानते, हमारा काम था आप तक खबर पहुंचाना। वैसे भी रानी पवन से बात करे या खेसारी से बात करे या फिर निरहुआ से या फिर किसी और से, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। और तो और अक्षरा सिंह के कुछ फैंस ने भी रानी को करारा जवाब दिया। वैसे आपको बता दें कि रानी पवन सिंह को फोनू नाम से पुकारती हैं और फिर ये सारी फोटोज़ जब रानी और पवन इस क्वारंटाइन टाइम में एक दूसरे से वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसकी जो फ़ोटोज़ है उसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी मीडिया में वायरल हो रहे हैं। अब भाई इन्हें वायरल कौन कर रहा है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आप कह सकते हैं भोजपुरी में एक और नई
लड़ाई हो चुकी है, यानी आप ये कह सकते हैं भोजपुरी में एक नई दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, दुश्मनी है दो हीरोइनों के बीच। वैसे भी ये नई बात नहीं होनी चाहिए, ये तो आम बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। पहले ये दुश्मनी काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी ऐसे चला करती थी, अब अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी की है। देखते हैं आगे क्या होता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।